हेलो फ्रेंड्स, मैं सिमरन बंसल, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम मिल्क पाउडर से गाजर का हलवा बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए चलिए बनाते हैं गाजर का हलवा। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 किलो गाजर लिया है, इसको कद्दूकस करके लिया मैंने। 150 ग्राम मैंने यहाँ पर घी लिया है, देसी घी। 100 ग्राम मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है। 200 ग्राम चीनी लिया है, चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं। 1 गिलास मैंने यहाँ पर दूध लिया है। 1 पिंच मैंने यहाँ पर फूड कलर लिया, ये ऑप्शनल है। के टुकड़े कर लिए हैं। 15-20 मैंने काजू लिए हैं और गार्निश के लिए मैंने यहाँ पर पिस्ता लिया। सबसे पहले गाजर को कुकर में डाल देंगे। सारी गाजर हमने कुकर में डाल दी। अब इसमें चीनी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। चीनी को इसमें डालने के बाद ढक्कन लगाकर गैस पे रख देंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको 2-3 सीटी दिला लेंगे हमें। हमारी 2-3 सीटी आ चुकी है। इसको छमकाने के लिए रख देते हैं। इसे एक कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई में ये दूध डाल देंगे। आधा घी डाल देंगे। इसको गर्म होने देते हैं। इसको गर्म होने देते हैं। गर्म होने के बाद धीरे धीरे करके ये मिल्क पाउडर डाल देंगे। लगातार चलाते रहेंगे। इसको लगातार चलाते रहेंगे। चुका बिल्कुल अच्छे से। अब इसको गाढ़ा होने तक पका लेंगे। ये लगभग 1-2 मिनट में गाढ़ा हो जाता है। दूध गाढ़ा हो गया। अब इसमें ये गाजर डाल देंगे। अब इसमें ये गाजर डाल देंगे। साथ में ये घी डाल देंगे। और इसको चला लेंगे। इसको पकने में लगभग 15-20 मिनट लग जाते हैं। पंद्रह बीस मिनट के लिए मैं इसको चला लूंगी। मुझे इसे चलाते हुए लगभग 20 मिनट हो चुकी है। अब इसमें ये फूड कलर डाल देंगे। फूड कलर से रंग इसका बहुत अच्छा आता है। अब इसमें ये बादाम डाल देंगे, काजू डाल देंगे,
चला लेंगे। इसको बस एक डेढ़ मिनट तक चलाऊंगी। हमारा कद्दू का हलवा बनकर तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अभी से एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसके लिए इसमें पिस्ता डाल देंगे। काजू लगा देंगे। हमारा गाजर का हलवा तैयार है। इसको बनाना भी आसान है, ये बहुत जल्दी भी बन जाता है। आप घर में इसे जरूर ट्राई करें। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। मेरी रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।